welcome everyone i'm your teaching buddy sudhir singh and from today we are going to read a story and the name of the story is rikki tikki tavi let's start chapter 1 rikki tikki tavi at the hole where he went in रेड आई कॉल्ड टू रिंकल स्किन एट द होल वेर ही वेंट इन मतलब कि एक होल में जहाँ पर वो गया था रेड आई कॉल्ड टू रिंकल स्किन रेड आई ने रिंकल स्किन को आवाज लगाया कॉल टू का मतलब यहाँ पर क्या है आवाज लगाना ठीक है एक होल के अंदर रेड आई जाता है और वो उस होल के अंदर जाकर वो रिंकल स्किन को आवाज़ लगाता है ठीक है हीयर वॉट लिटल रेड आई सेत् नाग कम अप एंड डांस विथ डैथ अब वो वहाँ पे जाकर क्या आवाज़ लगा रहे हैं वो वहाँ पे जा कहता है नाग कम अप एंड डांस विथ डेथ मतलब कहने का है कि वो कह रहे हैं कि नाग बाहर आओ और अपने मौत का सामना करो ठीक है डांस विथ डेथ का मतलब यहाँ पर यह नहीं कि आकर अपने देथ के साथ डांस करो नहीं यहाँ पे वो जो रेड आई है वो कहता है कि नाग बाहर आओ और अपने मौत का सामना करो ठीक है इसका मतलब कि जो रेड आई था वो रिंकल स्किन को यहाँ पर मारने के लिए आया था ठीक आई टू आई एंड हेड टू हेड अब जो रिंकल स्किन था वो भी क्या करता है बाहर आ जाता है ठीक है जो रेड आई का जो चैलेंज था उसको वो एक्सेप्ट करता है और वो बाहर आ जाता है अब दोनों की आंखों में आंखें मिलती हैं आई टू आई एंड हेड टू हेड दोनों एक दूसरे के ठीक सामने खड़े होते हैं ठीक है दिस शेल एंड वन वन इज डेड अब ये जो फाइट है ठीक है यहाँ पे अब जो इन दोनों के बीच में जो फाइट है होने वाला है ये फाइट तभी खत्म होगा जब इन दोनों में से कोई एक जना when one is dead जब कोई एक जना मर जाएगा ठीक है टर्न फॉर टर्न एंड ट्विस्ट फॉर ट्विस्ट अब दोनों आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं अब दोनों टर्न फॉर टर्न और ट्विस्ट फॉर ट्विस्ट ले रहे हैं ठीक है आपने कभी जैसे कि दो बच्चों को देखा होगा प्लेग्राउंड में कभी जो फाइट करते हैं तो फाइट करते करते वो जमीन पे गिर जाते हैं तो क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो रोल करने लगते हैं ठीक है इसी तरह यहाँ पे भी ये जो रेड आई है और रिंकल स्किन है ये दोनों भी फाइट करते हुए आ, करते वक्त टर्न फॉर टर्न ले रहे हैं और ट्विस्ट फॉर ट्विस्ट कर रहे हैं ठीक है हाँ हुड एट डैथ हैज मिस्ड ठीक है अब जो रेड आई था वो रिंकल स्किन को मारने ही वाला था कि इससे पहले जो रिंकल स्किन था मतलब जो नाग था वो क्या हुआ भाग गया था वहां से जिसके वजह से वो जो डेथ था वो क्या हो गया जो हुडेड डेथ था वो मिस्ड हो गया ठीक है अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नाग ही भाग गए तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है द हुडेड डेथ ठीक है तो यहाँ पे हुडेड मतलब कि ये जो स्नैक का ये सामने का ऐसा फेस होता है ना यहाँ पे देखते हैं ऐसा हुड सा बनता है ठीक है इसलिए इसको हुडेड कह रहे हैं ठीक है हाँ द हुडेड डेथ हैज़ मिस्ड ठीक है चलिए तो ये था हमारे इस चैप्टर वन के स्टोरी का इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक है अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं आखिर ये जो सीन है ये जो यहाँ पे सीन हुआ है इतना आखिर ये हुआ कैसे था ठीक है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वो हमें यहाँ स्टोरी से पता चलेगा अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं ठीक दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रिकी टिकी टवी द मंगूज ठीक है ये कहानी एक मंगूस की है ठीक है एक मंगूस की है जिसका नाम क्या है रिकी टिकी टवी इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ द ग्रेट वॉर ही फॉट इन द बिग हाउस इन द टाउन ऑफ सिगोली ये कहानी उसके उस महान युद्ध की भी है ठीक है इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ ग्रेट वॉर मतलब कि यह कहानी उसके उस महान युद्ध की है जो उसने सिगोली एक टाउन था जिसका नाम था सिगोली सिगोली के एक बिग हाउस में उसने किया था ठीक है समझ मार मतलब कहने का है कि एक मंगूस है जिसका नाम है रिकी टिकी टवी वो एक टाउन है जहाँ पे वो रहता था उस टाउन का नाम है सिगोली और सिगोली में एक बिग हाउस था उस बिग हाउस के अंदर उसने अपने जीवन का सबसे महान युद्ध किया था ठीक है दर्जी द टेलर बर्ड हेल्प हिम इन फाइट एक टेलर बर्ड भी है जिसका नाम क्या है दर्जी उसने उस मंगूस का रिकी का फाइट में हेल्प किया था ठीक है छछुंद्रा फ्राइटेंड मुस्क्रैट हु नेवर कम

हु never कम्स इन टू द मिडल ऑफ अ रूम वो इतना डरता था चीज़ों से कि कभी वो जैसे खाली रूम है तो उस रूम के कभी बीच में नहीं आता था चलते चलते वो मिडिल में नहीं आता था ठीक है बट ऑनली क्रीप्स अराउंड द वॉल वो हमेशा दीवार से सट कर क्रीप करता था चलता था ठीक है जैसे कि हमारा रूम है ये हमारा फ्लोर है और ये क्या है वॉल है ठीक है यहाँ पे ये ऐसे ये मान लीजिए पूरा फ्लोर है और ये वॉल का ये जो कोना है ठीक है ये वॉल है ठीक है और ये फ्लोर है तो यहाँ पे ये जो कोना है ना वो इस कोने में क्रीप करता था मतलब तो इस कोने में कोने कोने में पकड़ के वो चलता था कभी भी ऐसे रूम के बीच में से वो इधर से इधर नहीं जाता था ठीक है क्यों क्योंकि वो बहुत ही फ्राइटन रहता था वो हमेशा डरता रहता था ठीक है गिव हिम एडवाइस गिव हिम एडवाइस उसने भी उस मंगूस का उसके फाइट में हेल्प किया था एडवाइस करके ठीक है समझ में आया यहाँ पे जो एक टेलर बर्ड है जिसका नाम दर्जी है ठीक है उसने क्या किया था यहाँ पे जो टेलर ये रहा आपका टेलर बर्ड ठीक है इसका नाम दर्जी है इसने मंगूस को मतलब रिकी को उसने क्या किया था फ़ाइट में उसका हेल्प किया था और जो छछुंदरा है मुस्क्रैट है जिसका नाम छछुंदरा है उसने मंगूस को मतलब रिकी को उसको फाइट कैसे करना है इस चीज़ का उसने उसको एडवाइस दिया था ठीक है चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं बट रिकी टिकी टवी डेड ऑल द रियल फाइटिंग हिमसेल्फ ठीक है भले ही उसके साथ टेलर बर्ड हो भले ही उसके साथ मुस्क्रैट हो लेकिन जो फाइट था असल में जो फाइट जो हुआ था वो रिकी ने अपने दम पे किया था अपने से किया था ठीक है मतलब कि ऐसे मानो कि यहाँ पर आओ कि जैसे ये दर्जी है ठीक है और ये छछुंदरा है और ये रिकी है दर दर्जी ने रिकी का हेल्प किया था फ़ाइट में मतलब उसको बताया थे कि कैसे कैसे फ़ाइट करना चाहिए और छुंद्रा ने आ, रिकी को एडवाइस किया था कि देखो तो वो इस वक्त ऐसे जाता है इस, इस वक्त खाता है इस वक्त सोता है तो तुम इस वक्त उसको मार सकते हो ठीक है इस तरह एडवाइस किया था लेकिन जब फ़ाइट की बात आई थी उस वक्त दर्जी और छुंद्रा वहाँ पर नहीं थे सिर्फ़ रिकी अकेले फ़ाइट किया था ठीक है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि री बट रिकी टिकी टवी डिड ऑल द रियल फाइटिंग असल में जो लड़ाई हुई थी वो उसने खुद से लड़ा था ठीक है चलिए रिकी टिकी टवी वाज़ अ मंगूस रिकी टिकी टवी एक मंगूस था ये हम सबको पता है हिस फर एंड हिस टेल वर लाइक दैट ऑफ कैट उसके जो फर थे और उसके जो टेल था वो एकदम एक बिल्ली के जैसा था ठीक है ये देखिए ये मैंने फोटो लगा रखा है ये है आपका मंगूस ठीक है देखिए इसके फर देखिए और इसका टेल देखिए एकदम एक बिल्ली की तरह एक कैट की तरह लग रहा है ना ठीक है बट हिज हेड वॉज लॉन्ग एंड पॉइंटेड लेकिन इसका जो हेड है वो कैसा है लॉन्ग है और पॉइंटेड है ठीक है हिज आइज एंड नोज वर पिंक अब उसके आँखें और उसके नोज देखिए कैसा है पिंक है ठीक है and his leg were so long that he could scratch himself anywhere on his body. और उसके जो पैर थे वो बहुत लंबे लंबे थे ठीक है इतने लंबे पैर थे कि अगर उसके बॉडी पे कहीं पे भी खुजली हो तो वो आराम से क्या करता है स्क्रैच कर सकता है स्क्रैच मतलब यहाँ पर क्या है खुजली करना वो आराम से अपने बॉडी को ऐसे खुजली कर सकता था अगर उसके सर पे, सर के बीचों बीच में भी खुजली हो रही है तो अपने पैर से उसके पैर इतने लंबे थे कि वो अपने पैर से अपने सर को खुजला सकता है ठीक है? ही up his tail लाइक अ ब्रश और वो अपने पूछ को एकदम फ्लफी, फ्लफी बना के रखता है ठीक है एकदम सॉफ्ट फ्लफी बना के रखता था हमेशा जैसे लगता था ब्रश हो ठीक है एंड एज ही रैन थ्रू द लॉन्ग ग्रास ही called रिकी टिकी tuck. और जब भी वो लॉन्ग ग्रास मतलब बड़े बड़े घासों से होकर गुजरता था तो वो चिल्लाता रहता था क्या रिकी टिकी रिकी टिकी 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 टक ठीक है तो जैसे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो दौड़ते तो कहते थे ब्रुम ब्रुम ब्रूम करके बाइक की आवाज़ निकालते हैं कई लोग ट्रेन की पूँ छुक 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 करके आवाज़ निकालते हैं ठीक है उसी तरह रिकी भी जब अपने रिकी भी जब लॉन्ग ग्रास से दौड़ के दौड़ता था तो वो भी आवाज़ निकालता था और वो बोलता था रिकी टिकी 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 ऐसा करके बोलता था ठीक है वन रेनी डे द बरो इन विच ही लिव्ड विथ हिस्स फादर एंड मदर वॉज फ्लडेड एक दिन क्या हुआ वो जहाँ पे रहता था वहाँ बहुत बारिश हुआ था ठीक है बहुत बारिश हुआ था वन रेनी डे वहाँ पे बहुत बारिश हुआ था और इतना बारिश हुआ इतना बारिश हुआ कि वहाँ पे क्या गया फ्लड आ गया फ्लड मतलब बाढ़ आ गया ठीक है यहाँ पे जो वर्ड है फ्लडेड फ्लड मतलब क्या होता है बाढ़ आ जाना ठीक है वहाँ पर बाढ़ आ गया ठीक है अब वो जिस बड़ों में रहता है बड़ों मतलब होल ठीक है ये देखिए यहाँ पे फोटो है ना बरो ठीक है आपके बुक में भी लिखा हुआ है अ होल इन द ग्राउंड वेयर सम एनिमल्स लिव ठीक है एक ग्राउंड में होल होता है जहाँ पे कुछ एनिमल रहते हैं ठीक है उसी तरह ये जो मंगूस होते हैं ये भी क्या करते हैं ग्राउंड में इस तरह का होल बनाते हैं और वो इसी के अंदर रहते हैं ठीक है तो हमारा जो रिकी है वो भी इसी होल के अंदर इसी होल के अंदर ऐसे ही उसका होल था बरो था जिसके अंदर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था अपने फादर और मदर के साथ रहता था अब एक दिन क्या हुआ बहुत तेज बारिश हुई इतना ज्यादा बारिश हुआ कि वहां पे उस एरिया में बाढ़ आ गया और जब उस एरिया में बाढ़ आया तो पानी क्या होगा हर जगह जाएगा तो कुछ पानी क्या हो गया इसके घर के अंदर भी चले गए ठीक है अब पानी के गर, पानी क्या है उसके घर के अंदर चले गए तो उसके घर के अंदर भी क्या हो गया बाढ़ आ गया ठीक है ही वॉज वॉस्ड आउट ऑफ हिस होम Kicking and squealing into a ditch near the road, full of water. मतलब क्या है कि जब उसके घर के अंदर बाढ़ आया जब पानी घुसा घुसा तो पानी क्या हुआ उसको बहाते हुए ले गया ठीक है यहाँ पे लेखा ना ही वॉज वॉस्ड आउट वॉस्ड आउट ऑफ इस होम मतलब जब पानी उसके घर के अंदर घुसा जब वो बाढ़ का पानी उसके अंदर घर के अंदर घुसा तो उसको क्या हुआ एकदम वॉश आउट कर दिया मतलब बहाते हुए उसके घर से बाहर ले गया उसको ठीक है किकिंग एंड स्क्वेलिंग इन टू अ डिच नियर द रोड ठीक है डिच मतलब क्या होता है डिच मतलब लिखा है कि मे सॉरी यहाँ पर लिखा ही नहीं है ठीक है अच्छा डिच ये होता है ठीक है ये देखते हैं रोड साइड में एक ऐसा इतना चौड़ा सा नाला जैसा टाइप का होता है तो इसको कहते हैं डिच ठीक है मतलब कहने का जब बाढ़ में जब पानी था और जब उसके घर के अंदर घुसा तो उसको क्या बहाते हुए वो एक डिच में ले आया ठीक है डिच मतलब यहाँ पे ऐसे जगह एरिया में उसको बहाते हुए ले आया और वो उस पानी के अंदर खूब किक कर रहा है मतलब खूब खूब हाथ पैर चला रहा है खूब चीख रहा है चिल्ला रहा।, रहा है ठीक है मतलब इसमें लिखा ना मेकिंग अ लॉन्ग स्ट्रेल साउंड ठीक है खूब चिल्ला रहा है ठीक है ही हेल्ड ऑन टू सम फ्लोटिंग देयर ठीक है अब उसने क्या किया कि वो उसमें बहता चला जा रहा है बहता चला जा रहा है उस डीच में तो उसको समझ नहीं आ रहा वो उस हाथ पैर मार है और चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प कोई मुझे बचाओ कोई मुझे बचाओ ठीक है तो तभी वो बहते बहते उसके सामने एक लंबा सा उसे घ्रास देखा तो उसने क्या किया उस ग्रास को पकड़ लिया यहाँ पे लिखा ना ही हेल्ड ऑन टू सम ग्रास उसने वहाँ पे कुछ घास को क्या किया तेजी से पकड़ लिया ठीक है फ्लोटिंग देव ठीक है तेजी से पकड़ लिया ताकि वो बह के कहीं और दूर ना चला जाए ठीक है देन ही फेंटेड पानी का बहाव इतना तेज था और वो हाथ पैर इतना तेज चला चुका था कि वो पूरी तरीके से थक चुका था ठीक है अब उससे क्या हुआ थोड़ी देर बाद वो वहीं पे बेहोश हो गया ठीक है देन ही फेंटेड फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना ठीक है वैन ही वो कब ही वॉज लाइंग इन द हॉट सन इन द मिडल ऑफ अ गार्डन और जब उसकी आँखें खुलीं तो वो देखता है कि वो एक गार्डन uh, में सन के हॉट सन के नीचे सोया हुआ है ठीक है मतलब यहां पे ये गार्डन है वो यहां पे लेटा हुआ है और सामने यहाँ पे सूरज चमक रहा है ठीक उसके ऊपर ठीक है ही वॉज वेरी वेरी वेट इंडीड वो पूरी तरीके से गीला हो चुका था ठीक है वेट मतलब गीला ठीक है अ स्मॉल बॉय वॉज लुकिंग एट हेम एंड सेयर इज अ डेड मंगूज लेट बरी हिम आज जब उसकी आँखें खुलीं तो वो देखता है एक छोटा सा बच्चा उसके सामने खड़ा है जो कि कह रहा है कि ये रहा ये देखो ये एक मरा हुआ मंगूस है चलो इसको गाड़ देते हैं बरी मतलब लेट्स बड़ी हिम बड़ी मतलब गाड़ना ठीक है चलो इसको गाड़ देते हैं नो सेड हिस् मदर लेट्स टेक हिम एन एंड ड्राई हिम ही मे बी स्टिल अ तभी उसके बगल में उसकी माँ खड़ी रहती है उस बच्चे की और वो कहती हैं नहीं लेट्स टेक हिम इन चलो इसको घर के अंदर ले चलते हैं टेक हिम इन का मतलब क्या कहने का है कि चलो इसको घर के अंदर ले चलते हैं ठीक है एंड ड्राई हिम और इसको सुखाते हैं ही मे बी स्टिल अलाइव हो सकता है ये अभी भी जिंदा हो ठीक है दे टूक हिम इन टू द हाउस और फिर वो लोग उसको वहाँ से उठाकर घर के अंदर ले गए अ बिग मैन पिक्ड हिम अप एंड सेड ही वॉज नॉट डेड ऑनली हाफ ड्रोन अ जब वो लोग उसको रिकी को उठाकर घर के अंदर ले गए तो घर के अंदर एक बिग मैन रहता है ठीक है एक बड़ा आदमी रहता है वो रिकी को देखता है और उसको उठाता है ठीक है बिग मैन पेगढ़ अप उसे उठाता है और देखता है और कहता है ही इज नॉट डेड ये मरा नहीं है ऑनली हाफ ड्रोन ये बस थोड़ा सा डूब गया है पानी वानी में हो गया है पर ये मरा नहीं है ठीक है ही रोल्ड हिम अप इन कॉटन वूल और फिर उस बिग मैन ने क्या किया कि उसको एक कॉटन वूल में मतलब एक कपड़े में उसको लपेट दिया ठीक है रोल हिम अप मतलब उसको लपेट दिया ठीक है अच्छा ये फोटो है पीछे जो मैंने छोटा छोटा लगा के रखा यहाँ पर देखिए आपको एक क्रिस्टल क्लियर दिखेगा ये, ये राम मंगूस ठीक है एकदम देखिए कैट की तरह इसके फर हैं और ये देखिए इसके पिंक आइज और पिंक नोज हैं और ये जो है इसे कहते हैं डिच ठीक है रोड के किनारे दिख दिखता होगा आपको कभी कभी ठीक है इसे डिच कहते हैं और ये बरो ठीक है जमीन के अंदर गड्ढा है जहाँ पे ये मंगूस रहते हैं ठीक चलिए बिग मैन कैप्टन एंड सॉरी कहाँ था हम लोग हाँ ही रोल्ड हिम अप इन कॉटन वूल एंड कैपेम एनकेप थेम वीयर द फायर उस बिग मैन ने क्या किया कि उसको एक कॉटन वोल में लपेट दिया और उसको आँख के सामने रख दिया ठीक है आफ्टर सम टाइम रिकी टिक्की ओपन हिज आइज एंड स्निस्ड कुछ देर बाद रिकी टिक्की अपनी आँखें खोलता है और जोर से छिंकता है ठीक है स्निस्ड मतलब छिंकना द बिग मैन वॉज एन इंग्लिश मैन हु हैड जस्ट मूव इन टू द हाउस विद हिज वाइफ एंड सन अब जो बिग मैन है वो एक इंग्लिश मैन है इंग्लिश मैन मतलब वो ब्रिटिशर है ठीक है ब्रिटिश का रहने वाला है क्योंकि ब्रिटिशर को ही इंग्लिश मैन कहा जाता था जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं ठीक है थेके? तो वो जो बिग मैन है वो कौन है एक इंग्लिश मैन है जो कि अभी अभी नया नया इस घर में अपने वाइफ और अपने सन के साथ रहने के लिए आया है ठीक है लेटस सी वॉट ही विल डू नाउ ही सेड डोंट फ्राइट हिम अ जब उस आदमी ने देखा कि रिकी टिकी अब जग चुका है उसकी आँखें खुल चुकी हैं तो वो कहता है अपने वाइफ से और अपने सन से कहता है लेट अस सी वॉट ही विल डू नाउ चलो देखते हैं अब ये क्या करता है डोंट फ्राइटन हिम उसको डराओ मत ठीक है बट अ मंगूस नेवर गेट्स फ्राइटन लेकिन मंगूस कभी डरते नहीं है ठीक है ही इज द मोस्ट इंक्विस्टिव एनिमल इन द वर्ल्ड वो बहुत ही ज़्यादा इंक्विजिव इंक्विटिव मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ एगर टू नो मोर ठीक है मतलब एक ऐसा एक मतलब कि क्या कह सकते हैं जैसे कि क्यूरियस ठीक है बहुत ही इच्छुक हर चीज़ को जानने वाला जो होता है ना क्यूरियस अरे ये क्या है चलो उसको जानते हैं अरे वो क्या है चलो उसको जानते हैं ठीक है जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनके घर में कोई भी चीज़ दिख जाता है नया नया तो वो कहते हैं अच्छा ये क्या है उनके पेरेंट्स मना करते कि अरे इसको टच मत करना वरना तुम ख़राब कर दोगे लेकिन वो बच्चे चोरी चुप के जाते हैं और उसको बटन वटन दबा के चेक करते हैं कि अच्छा ये कैसे काम करता है ये कैसे काम करता है ठीक है बहुत ही क्यूरियस बहुत ही इंक्विटिव ठीक है तो जो मंगूस होते हैं वो भी क्या होते हैं बहुत ही इंक्विटिव एनिमल होते हैं ठीक है ही ऑलवेज़ वॉन्ट्स टू नो अबाउट एवरीथिंग उसे हर चीज़ के बारे में जानने का इच्छा रहता है हमेशा क्यूरियस रहता है ठीक सो वैन रिकी टिकी वो कप ही फर्स्ट ट्राई टू ईट द कॉटन वोल ही वॉज रैप डेम ठीक है तो रिकी टिकी जब पहली बार जब उठता है तो वो जो कॉटन वॉल में जिसमें उस जिसमें बिग मैन ने उसे रैप करके रखा था लपेट कर रखा था वो उसी कॉटन वोल को वो काटने लगता है ठीक है ही ट्राई टू ईट द कॉटन वुल ही वॉज़ इन देन ही रैन ऑल अराउंड द टेबल ऑन विच ही वॉज लाइंग और उसके बाद फिर जिस टेबल पे उस बिग मैन्यूज़ को फायर के सामने रखा था ठीक है मतलब जैसे कि मान लो जो यहाँ पे फायर चल रहा है तो यहाँ पे एक टेबल था और यहीं पे बीच पर ही उस बिग मैन्यूज को टॉवल में रैप करके कर रख दिया था तो जिस जिस टेबल पे वो लेटा हुआ था वो उसी टेबल पे जख कर क्या कर लेते हैं दौड़ने लगता है राउंड राउंड ठीक है यहाँ पे लेकर ना देन ही रैन ऑल अराउंड द टेबल फिर वो पूरे टेबल पे जाओ तब दौड़ने लगा ऑन विच ही वॉज लाइंग जिसके पर वो वो लेटा हुआ था आफ्टर ही हैड क्लीन हिज फर एंड स्क्रैच हिम सेल्फ ही जम्पड ऑन टू द स्मॉल बॉय शोल्डर और जब वो अपने आप को पूरी तरीके से साफ कर लिया अपने पूरे फर को साफ कर लिया स्क्रैच कर लिया ठीक है खुजला उजला लिया एकदम एकदम तरोताज़ा महसूस करने लगा देन वो क्या करता है ही जम्प ऑन टू द ऑन टू द स्मॉल बॉयज शोल्डर फिर वो वहाँ पे पास में जो बगल में छोटा बच्चा खड़ा रहता है वो उसके शोल्डर पे जंप कर जाता है ठीक है डोंट बी फ्राइट टेडी टैडी सेट द बिग मैन हु वॉज टैडीज फादर ही इज जस्ट मेकिंग फ्रेंड्स डोंट बी फ्राइट एंड टैडी सेट द बिग मैन अब जो बिग मैन रहता है वो उस लड़के को जिसके शोल्डर पे रिकी ने जंप किया है ठीक है उसे कहता है उस बच्चे से बिग मैन कहता है डोंट बी फ्राइट एंड टैडी टैडी तुम डरो मत ठीक है उस बच्चे का क्या नाम है जो बच्चा अभी था जिसके शोल्डर पे मंगूस ने जंप किया उसका नाम है टैडी ठीक है तो बिग मैन उस बच्चे से कहता है कि टैडी मत, ठीक है हु वॉज टैडीज फादर अच्छा अब ये जो बिग मैन है ये कौन है वो स्टैडीज का फादर है ठीक है टैडी का फादर है ठीक है ही जस्ट मेकिंग फ्रेंड कहता है कि अरे डरो मत टैडी ये बस अपना दोस्त बना रहे मैं अपना ठीक है आउच हिज टेक्लिंग माई चेन सेट टैडी टैडी कहता है ओह ये मेरे चेन में गुदगुदी कर रहा है टेकलिंग मतलब कहना मतलब गुदगुदी करना ठीक है रिकी टिक्की लुक डाउन टैडीज शर्ट स्निफ्ट हिज ईयर एंड क्लाइम डाउन टू द फ्लोर रिकी टिक्की क्या करता है टेडी के शर्ट को देखता है उसके कान को स्निफ्ट करता है मतलब सूंघता है और फिर वो दौड़कर जमीन पर आ जाता है फ्लोर पर आ जाता है ठीक है ही सैड देयर एंड रब्ड हिज नोज और वो जमीन पर बैठ के अपने नाक को रगड़ने लगता है गुड ग्रेसियस said टेडीज मदर हाउ टेम इज हाउ टेम ही इज सॉरी ये हॉर्न हमेशा बचता रहता है चलो कोई नहीं कंटिन्यू करते। चलो कंटिन्यू करते हैं गुड said Teddy's mother. मदर हाउ टेम ही इज इट मस्ट because बिकॉज

काइंड टू हेम ये हमारे साथ फ्रेंडली है जरूर क्योंकि हम इसके साथ अच्छे से थे मतलब हमने इसको इलट्रीट नहीं किया हमने इसके साथ कोई गलत चीज़ नहीं किया इसलिए ये भी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा है ये भी हमारे साथ फ्रेंडली ही, ही है ठीक है चलिए फिर आगे क्या कह रहे हैं ऑल मंगूज आर लाइक दैट सेड हर हजबेंड अब उसका जो हसबेंड है वो जो बिग मैन है वो उसका हसबेंड है वो कहता है कि सारे मंगूज ऐसे ही होते हैं इफ़ वी डोंट इल ट्रीट हिम और ट्राई टू पोट हेम इन अ केज ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस ऑल डे लॉन्ग ठीक है कहते हैं कि अगर वो आदमी कहता है अपनी वाइफ से मतलब टैडी के मदर से कहता है कि इफ वी डोंट इल ट्रीट हिम अगर हम उन लोग उसको इल ट्रीट ना करें मतलब गलत तरीके से अगर उसके साथ पेश ना आएँ और ट्राई टू पोट हेम इन अ केज और हम लोग उसको पिंजड़े में नहीं रखें ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस ऑल डे लॉन्ग तो वो सारा दिन घर के अंदर बाहर अंदर बाहर दौड़ता रहेगा ठीक है ऑल डे लॉन्ग मतलब सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करेगा घर के अंदर बाहर अंदर बाहर दौड़ता रहेगा ठीक है लेट्स गिव हिम समथिंग टू ईट चलो इसको कुछ खाने के लिए देते हैं दे गिव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट तो उन्होंने उस रिक्की को खाने के लिए कच्चे मीट का एक टुकड़ा दे दिया ठीक है रॉ मतलब कच्चा कच्चे मीट का एक पीस रिकी को खाने के लिए दे दिया रिकी टिकी लाइक इट वेरी मच और रिकी टीकी वो उसे खाने लगा और उसको वो बहुत पसंद आया ठीक है वेन इट वॉज फिनिश्ड ही वेंट आउट एंड सेट इन द सन एंड ड्राइड हिज फर देन ही फेल्ट मच बेटर जब रिकी ने अपना जो मीट था वो जब वो खा लिया तो वो दौड़ के बाहर गार्डन में चला जाता है एंड सेट इन द सन और वो धूप में जाकर बैठ जाता है एंड राइड फर और वहाँ जाकर अपने फर को अच्छी तरीके से और सुखा लेता है देन ही फेल्ट मच बेटर ठीक है अब वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था ठीक है अच्छा महसूस कर रहा था ठीक देर आर लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स टू सी इन दिस हाउस ही सेट टू हिम I will stay here and find out all about everything। ठीक है अब ये जो लाइन है ये स्टोरी का ये जो लाइन है ये कौन बोल रहा है ये रिकी बोल रहा है और वो अपने आप से क्या कह रहा है? कि देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू सी इन दिस हाउस कि इस घर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए ही सेट टू हिम सेल्फ ये बात वो अपने आप से कहता है ठीक है आई विल stay एंड फाइंड आउट ऑल अबाउट एवरी थिंग मैं यहीं पर ही रहूँगा और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकर रहूँगा इस घर में जो भी नई नई चीज़ें दिख रहे हैं उन सबको मैं जानकर रहूँगा ठीक है तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर वन ठीक है यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर वन ख़त्म होता है एंड आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई लाइन आपकी रह गई है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक चले फिर केव स्माइलिंग केव स्टडिंग सेव गाइ सोन